हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। जैसा कि कामरूप मेट्रो में भी कल जनरल साइंस का एग्ज़ाम है और किसी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, सो मैं ये पेपर लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिल जाए, ठीक है। और ये हमारा जो पेपर है एनुअल एग्जामिनेशन 2021 का है, ठीक है। ये कामरूप मेट्रो का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर लाने का मेरा मोटिव यही है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में उनको देखकर के आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 373 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन विल बी, क्या होगा। ऑप्शंस देख लेना आप लोग, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सटेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3 is what? Okay. Then which one of the following is the correct electronic कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। और मैं कुछ कुछ क्वेश्चन को टिक मार्क करके दूंगी इस वीडियो में जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। बाकी क्वेश्चंस को भी आप लोग फॉलो करना, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं टिक करके दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद है देखिए द साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल। देन टिश्यू दैट मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग इज वॉट। ओके, देन SI यूनिट, ठीक है, ये जो SI यूनिट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड द स्मॉल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कोज ऑफ एसिड रेन इज़, ये क्वेश्चन कॉमन रहता है हमेशा ही, एसिड रेन का कारण, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन What does the odometer of an automobile measures? Then what is Avogadro's number, I think, ठीक है, Avogadro's number, okay, ये question number 3। Then where are the protein synthesized inside the cell? Then next question, where is apical meristem found? Then what is soil erosion? ये आता ही है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सोसर देन अ कप। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये इम्पॉर्टेंट है। देन नेम द टेक्निक टू सेपरेट द मिक्सचर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बटर फ्रॉम कर्ड, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल। देन इफ़ जेड इक्वल्स टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देन इफ मास ऑफ अ बुलेट इज 0.02 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज 150 ms·1, देन कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्हाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, दिस क्वेश्चन। देन राइट द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस आप लोगों का आता है एग्जाम में, डिफरेंस में ये देख लीजिए स्पीड एंड वेलोसिटी का आ ही सकता है और मास एंड वेट का भी, ठीक है। देन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, या राइट टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देन राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे देखिए केमिकल फार्मूला दिया हुआ है ना, तो हो सकता है इनके जगह कोई और दे दे, बट केमिकल फार्मूला आता ही है क्वेश्चन में लिखने के लिए, ठीक है।
तो आप लोग देख लेना, आप लोग सारा ही याद करके जाना। देन ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोरस मॉडल ऑफ एन एटम विथ थ्री सेल्स, देन मेंशन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डिक मसल। ये आता है, कार्डिक मसल्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही, अब ये क्वेश्चन आए या कुछ और बट आएगा डेफिनेटली। देन हु डिवाइड्स लिविंग वर्ल्ड इंटू फाइव डिवीजन, वॉट इज़ इट्स क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज बिलोंगिंग टू किंगडम मोंड्रा एंड प्रोटिस्टा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज़ डन। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है। देन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, देन अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140N ऑन अ प्लग, द फील्ड बीइंग प्लग्ड इन 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। ये भी आता है न्यूरॉन को ड्रॉ करने, कभी कभी लीवर आ जाता है, हार्ट आ जाता है, ठीक है, तो आता है ड्राइंग, तो इम्पॉर्टेंस ड्राइंग को देख करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ आर द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज़ एंड स्पीड इज 440 ms·1 इन अ गिवन मीडियम। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट करे, बट यहाँ पे जो आपके नंबर्स है वो नंबर्स आप लोगों का क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, ये नंबर डिफरेंट होगा आप लोगों का, बट क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी थ्री ह्यूमन एक्टिविटीज़ डैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पॉल्यूशन, या एयर पॉल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of 5 ms·1 is 25 joule, what will be its kinetic energy when its velocity is doubled, when what will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times. Okay, that draw a label diagram of plant cell and animal cell and write two difference between them. ओके, ये क्वेश्चन, देन वॉट इज़ एक्सलरेशन, ये भी आता है, बस स्टार्टिंग फ्राम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ 0.1 ms·2 फॉर 2 मिनट्स, फाइंड ए द स्पीड रिक्वायर्ड, बी द डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, सो देखिए जो क्वेश्चन मैंने टिक किया है और जो नहीं किया है सभी इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग अपना प्रिपरेशन तो किए ही होंगे, तो सिर्फ मेरे क्वेश्चन पर डिपेंड मत रहना, आप लोग पूरे ही लेशंस को अच्छे से पढ़ना, ताकि क्वेश्चन जैसा भी आए आप लोग उसे सॉल्व कर सको, ठीक है। देन स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्रूव डेट F=ma। ओके, ये क्वेश्चन, देन स्टेट द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अ स्टोर इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 ms·1, टेकिंग G=10 ms·2, फाइंड द मैक्सिमम हाइट बाय दिस स्टोन एंड वॉट इज द नीट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस स्टोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज्ड प्रोग्रेसिवली, डज इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, वाई। ओके, देन इंटरनल असेसमेंट फॉर 10 मार्क्स। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हेल्प करे, और इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और साथ ही जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज़ कीजिएगा, कल एग्ज़ाम है इसलिए आज बस रिवाइज़ कीजिएगा, जितना याद है उतना ही कीजिए, बाकी और एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उसे ही रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।